हेलो एवरीवन, आवर टॉपिक फॉर टुडे इज़ लाइफ साइकिल ऑफ रिक्शिया। रिक्शिया के लाइफ साइकिल में हमको स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण दिखाई देता है, मतलब इसकी जो गैमेटोफाइटिक जेनरेशन है वो स्पोरोफाइटिक जेनरेशन से एकांतरित क्रम दिखाती है। इसी को हम अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन कहते हैं। इसका जो मेन प्लांट है ये वाला, दिस इज़ द मेच्योर प्लांट, ये गैमेटोफाइट रहता है। गैमेटोफाइट का मतलब इसकी जो कोशिकाएं हैं वो अगुणित होती है एन। और फिर इस थैलस में एंथेरिडियम और आर्किगोनियम का निर्माण होता है। एंथेरिडियम एंथ्रोजोइट का निर्माण करता है और आर्किगोनियम एक एग सेल का निर्माण करता है। ये इन दोनों में निस्टेशन की क्रिया होती है। एंथ्रोजोइड एग सेल से फ्यूज़ होता है और इसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, जिससे कि एक डिप्लॉइड द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। और फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है वो आर्किगोनियम, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है ये आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर है, इसमें संपन्न होती है। और निस्टेशन के लिए यहाँ पर पानी आवश्यक होता है। तो पानी में ये एंथ्रोजोइड्स मूव करके आर्किगोनियम के नेक में आते हैं, फिर इस नेक से होते हुए ये इस एग सेल में आते हैं। ये दोनों गैमीट्स हैं और इनका कॉन्स्टिट्यूशन हैप्लॉइड होता है। निस्टेशन की क्रिया या फर्टिलाइजेशन की क्रिया पूर्ण होने के बाद एक डिप्लॉइड कोशिका का निर्माण होता है, जो आर्किगोनियम के बेस पर या वेंटर पर होती है। जाइगोट यहीं पर स्थित होता है और इसका फर्दर डेवलपमेंट स्पोरोफाइट का यहीं पर होता है। तो जाइगोट के बनने के बाद यहाँ पर जो गैमेटोफाइटिक जेनरेशन है वो समाप्त हो जाती है और जाइगोट जो है वो स्पोरोफाइटिक जेनरेशन की प्रथम कोशिका होती है। इस जाइगोट में अनुप्रस्थ काट या ट्रांसवर्स डिविजन होता है, जिसकी वजह से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। उसके बाद फिर एक और अनुप्रस्थ काट हर एक कोशिका में होता है, जिसकी वजह से चार कोशिकाएं निर्मित होती हैं और ये क्वाड्रेंट स्टेज होता है। क्वाड्रेंट जो ये जो चार सेल हैं इनकी सभी की कोशिकाएं जो हैं वो डिप्लॉयड होती है। फिर उसके बाद ऑक्टेंट स्टेज होता है और फिर उसमें इरेगुलर डिविजन्स होने लगते हैं, जिससे कि एक मल्टी सेलुलर कोशिकाओं का समूह निर्मित हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए, ये स्पोरोफाइट का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये आर्किगोनियम का नेक है, इसकी जैकेट बन जाती है और यहाँ पर आपको ढेर सारे सेल्स दिखाई देते हैं। फिर इन सेल्स में स्पोरोफाइट या ये स्पोरोफाइट का निर्माण होता है और इन सेल्स से स्पोर मदर सेल्स या स्पोर मातृ कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये देखिए, एक सिंगल सेल को यहाँ पर शो किया है, ये इसके अंदर होते हैं। ठीक है, स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट का एक वीडियो डला हुआ है, आप उसको देखिएगा। फिर उसके बाद इन कोशिकाओं में या स्पोर मदर सेल्स जो डिप्लॉयड होती हैं, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री होने विभाजन के बाद यहाँ पर एक स्पोर टेट्राहेड का निर्माण होता है। ऑब्वियसली यू नो, अर्धसूत्री विभाजन में इसका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है कोशिका का वो आधा हो जाता है और यहाँ पर हैप्लॉइड कोशिका का निर्माण हो जाता है। ये जो स्पोर है ये हैप्लॉइड है और ये गैमेटोफाइट जेनरेशन की प्रथम कोशिका होती है। अब इस स्पोर के जर्मिनेशन से ये देखिए, ये स्पोर जर्मिनेट होता है, इसकी भित्तियाँ जो हैं वो टूटती हैं, एक्सोस्पोरियम और मेसोस्पोरियम टूट जाती हैं और अंदर वाली जो भित्ति है वो एनलार्ज होकर के यहाँ पर जर्मिनेट होती है। और यहाँ पर राइजॉइड्स और कोशिकाओं का निर्माण होता है। राइजॉइड्स जो हैं थैलस को एंकर कर लेती हैं, सबस्ट्रेट से जोड़ लेती हैं और ये एक
जो ये है स्ट्रक्चर एक यंग थैलस का निर्माण करता है और जो मैच्योर होकर के फिर से एक नया थैलस बना लेता है, और ये प्रक्रिया इस तरह से चलती जाती है। सो यू हैव सीन, ये जो जितनी भी कोशिकाएं यहाँ पर हैं वो हैप्लॉइड है और ये गैमेटोफाइटिक जेनरेशन कहलाती है, और ये वाली जो कोशिकाएं हैं जाइगोट के बाद ये डिप्लॉयड होती हैं, ये और ये, ठीक है, मियोसिस होने तक। तो ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं ये स्पोरोफाइटिक जेनरेशन बनाते हैं, ये जो है ये इसका स्पोरोफाइट है। ओके, तो ये स्पोरोफाइटिक जेनरेशन और गैमेटोफाइटिक जेनरेशन अल्टरनेट करती हैं। तो इस तरह से ये क्या होता है, एक मैच्योर थैलस बनने तक ये प्रक्रिया हो रही है, तो ये इसकी एक संपूर्ण लाइफ साइकिल है। सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, डू गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, थैंक यू।